हेलो दोस्तों मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉलिटी से जिसका टॉपिक रहेगा शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की, की अनुसूची इस वीडियो को हम विद मेमोरी ट्रिक्स ही याद करेंगे ताकि आपको इसी वीडियो के अंदर सारे के सारे हमारे जो शेड्यूल है वो याद हो जाएँ अगर आपको इस वीडियो की पी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वीडियो की पी भी ले सकते हैं तो बात करते हैं हमारे शेड्यूल्स की तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था यानी इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को तब हमारे पास आठ शेड्यूल्स थे ठीक है तब हमारे पास कितने शेड्यूल थे तो तब हमारे पास एट शेड्यूल थे एट प्रेजेंट पे हमारे पास कितने शेड्यूल हैं तो एस एट प्रेजेंट पे हमारे पास ट्वेल्व शेड्यूल्स हैं तो बात करते हैं एक एक करके बारह शेड्यूल्स की चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो तो हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है वो है हमारा इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ठीक है हमारा फर्स्ट शेड्यूल हो फर्स्ट आर्टिकल हो या फिर फर्स्ट पार्ट हो तीनों के तीनों किससे रिलेटेड है तीनों के तीनों नेम ऑफ़ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है तो याद रखिएगा हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है नेम ऑफ़ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड शेड्यूल्स की सेकेंड शेड्यूल जो है हमारा द प्रोविज़न इन रिलेशन टू सैलरी अलाउंसेस प्रविजेस एंड एमवेंट्स से रिलेटेड है यानी कि आप सिंपल याद रखिएगा दो नंबर का हमारा क्या होता? होता है पैसा होता है और पैसे से ही क्या आती है सैलरी आती है ठीक है तो दो नंबर यानी सेकेंड शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल में क्या आएगी हमारी सैलरी आएगी अब बात करते हैं किसकी सैलरी की बात हो रही है तो सैलरी की बात हो रही है हमारे प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयरमैन ऑफ़ राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन ऑफ़ राज्यसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ़ इंडियन स्टेट चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडियन स्टेट सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस इन सबकी सेलरीज की बात हो रही है साथ ही में हमारी कैक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल वन में जो मैंशन है उनकी बात हो रही है यानी कि आपको सिंपल सिंपल आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो केवल ये पूछा जाएगा कि सैलरी एंड अलाउंसेस कौन से शेड्यूल में है तो ये हमारे सेकेंड शेड्यूल में आते हैं फिर भी मैंने आपको बता दिया कि किन की सैलरी और अलाउंसेस की बात की जा रही है नेक्स्ट है हमारा थर्ड शेड्यूल थर्ड शेड्यूल हमारा जो है वो है वो हमारा फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ठीक है तो थर्ड शेड्यूल किससे रिलेटेड है थर्ड शेड्यूल हमारा ओथ से रिलेटेड है अब किसकी ओथ की बात हो रही है तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस Controller and Auditor Journal, State Minister, State Legislature, Election Candidate. इलेक्शंस कैंडिडेट्स स्टेट मेंबर हाई कोर्ट जजेस तो इनकी ओथ एंड अफर्मेशन की बात हो रही है आपको केवल कितना याद रखना है कि हमारा फर्स्ट शेड्यूल किससे रिलेटेड है इंडिया के स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से सेकेंड किससे रिलेटेड है तो सेकेंड है हमारा पैसा पैसा यानी सैलरी एंड अलाउंसेस से थर्ड किससे रिलेटेड है तो थर्ड है हमारा ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड है नेक्स्ट है हमारा फोर्थ शेड्यूल अब फोर्थ कैसे याद रखोगे ऐसे याद रखेगा कि जहाँ पर भी भी चार लोग इकट्ठे होंगे ठीक है जहाँ पर भी चार लोग इकट्ठे होंगे वो क्या करेंगे राज्यसभा करेंगे तो फोर्थ शेड्यूल सॉरी क्या करेंगे सभा करेंगे तो फोर्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड रिले है सभा से रिलेटेड है आप कौन सी सभा राज्यसभा से रिलेटेड है ठीक है तो राज्यसभा के एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इससे रिलेटेड है यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट में जो सीटें हैं वो कितनी एलोकेशन होनी चाहिए उससे रिलेटेड है हमारा फोर्थ शेड्यूल नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ शेड्यूल तो फिफ्थ शेड्यूल हमारा देखो फिफ्थ ऐसे लिखा जाता है और एस सी और एस टी दोनों में हमारा ऐसा लग रहा है जैसे फाइव फाइव बना है तो फिफ्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है सिंपल याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट है हमारा सिक्स शेड्यूल तो सिक्स शेड्यूल किससे रिलेटेड है सिक्स है हमारा ए टी एम स्क्वायर से ठीक है याद रखिएगा किससे रिलेटेड है ए टी एम स्क्वायर से यानी कि असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम ठीक है ये जो हमारे यहाँ पर जो हमारे ट्राइबल एरिया है उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है हमारा सिक्स शेड्यूल तो सिक्स तक रिपीट कीजिए मेरे साथ फर्स्ट किसके बारे में है तो फर्स्ट है हमारा इंडिया इंडिया की एंड यूटी के बारे में सेकेंड यानी कि दो नंबर का पैसा पैसे में क्या होगी सभा ठीक है लोग मिलकर क्या करेंगे? करेंगे. तो राज्यसभा तो की सीटों के बारे में है फिर जैसे पांच लिखा जाता है वैसे ही एस और एस तो फिफ्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है एससी एंड एस टी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है फिर सिक्स किससे है तो ए टी एम स्क्वायर से यानी कि असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम में जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है नेक्स्ट है हमारा सेवन शेड्यूल सेवन शेड्यूल है हमारा थ्री लेजिस्टिव लिस्ट दे रखी है यानी कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पावर है ठीक तो है तो सेवन शेड्यूल किससे रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पावर से पावर को तीन लिस्ट में बांटा गया है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट में हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें जो कानून है जो लॉ है वो कौन बनाएगी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी स्टेट लिस्ट में हमारे ऐसे लो आएंगे जिसमें जो गवर्नमेंट जिसमें जो लॉ बनाएंगी वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें जो लॉ है वो हमारा यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बनाएगी अब आगे बात करते हैं इनके यूनियन लिस्ट में हमारे जो पहले सब्जेक्ट्स थे वो कितने थे 97 थे एट प्रेजेंट में कितने हैं तो एट प्रेजेंट में 100 सब्जेक्ट्स हैं मैंने मेज़र मेजर, -मेजर सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर लिखे हैं एक बार देख लेते हैं नेवल हो गया मिलिट्री हो गया एयरफोर्स हो गया एनर्जी हो गया फ़ोरेन अफेयर्स हो गया वॉर एंड पीस हो गया रेलवेज हो गया फॉरन एक्सचेंज हो गया करेंसी हो गया बैंकिंग हो गया और सेंसस हो गया सेंसस मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि सेंसस कौन से लिस्ट में आता है तो ये हमारी यूनियन लिस्ट में आता है यानी कि ये सारे सब्जेक्ट्स पे जो कानून है जो लॉ है वो कौन बनाएगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी नेक्स्ट है हमारा स्टेट स्टेट लिस्ट में हमारे पहले 66 सिक्स सब्जेक्ट्स थे एट प्रेजेंट पे 61 वन सब्जेक्ट्स हैं इसमें मेजर मेजर है हमारा लोकल गवर्नमेंट हो गया पब्लिक हेल्थ हो गया सैनिटेशन हो गया हॉस्पिटल हो गया डिस्पेंसरीज हो गया पुलिस हो गया एग्रीकल्चर हो गया ठीक है ये सारे प्रीजन हो गया ये सब हमारा किस में आएगा स्टेट लिस्ट में आएगा नेक्स्ट है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में पहले हमारे फोर्टी सेवन सब्जेक्ट्स थे एट प्रेजेंट पर हमारे फिफ्टी है जिसमें मेजर हो गया हमारा एजुकेशन इसमें मैं भूल गई एजुकेशन और ऐड कर लीजिए एजुकेशन भी हमारा कॉन्क्रेंट लिस्ट में आता है ठीक है मैरिज हो गया डिवोर्स हो गया फॉरेस्ट हो गया प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हो गया न्यूज़पेपर हो गया बुक्स हो गया प्रिंटिंग प्रेस हो गया ठीक है पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया और एजुकेशन हो गया एजुकेशन मेज मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है तो याद रखिएगा कॉन्क्रेंट लिस्ट में हमारा क्या आएगा जो हमारे दोनों मिलकर बनाएंगे यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन मैरिज डिवोर्स फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ठीक है प्रिंटिंग प्रेस न्यूज़पेपर ये सब तो ये हमारी सेवन्थ शेड्यूल हो गया नेक्स्ट है हमारा एट्थ शेड्यूल एट्थ शेड्यूल में हमारा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब फोरटीन लैंग्वेज थी एट प्रेजेंट पे हमारी कितनी है बाईस लैंग्वेज है तो पहले एक जोड़ी गई फिर हमारी थ्री एड हुई एंड उसके बाद फोर एड हुई तो टोटल हो गई हमारी ट्वेंटी ठीक है तो इन फोरटीन की बात हम बाद में करेंगे पहले फिफ्टीन से लेकर ट्वेंटी तक चलते हैं तो फिफ्टीन लैंग्वेज कौन सी थी फिफ्टी लैंग्वेज थी हमारी सिंधी जिसको हमने जोड़ा था ट्वेंटी फर्स्ट कौन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 में तो याद रखिएगा 15th लैंग्वेज कौन सी थी तो 15th लैंग्वेज हमारी सिंधी थी जिसको हमने जोड़ा ट्वेंटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नाइनटीन में नेक्स्ट हमारा सिक्सटीन सेवनटीन एटीन कौन सी है तो आप इसको नमक से याद रख सकते हैं न म क नेपाली मणिपुरी कोकनी इसको हमने जोड़ा था सेवेंटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइन्टीन नाइन्टी टू में इसके बाद है हमारी उन्नीस बीस इक्कीस बाईस जिसको आप बी डी एम एस से याद रख सकते हैं बी डी एम एस बोडो डोगरी मैथिली संताली जिसको हमने जोड़ा नाइन्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू थाउजेंड थ्री में ठीक है अगर आपको याद करना है कि हमारी और कौन सी फोटीन लैंग्वेज है तो आप मेरे साथ याद कर सकते हैं मैप के थ्रू सबसे ऊपर कश्मीर आता है तो कश्मीर में हमारी हो गई कश्मीरी और उर्दू ठीक है तो याद खेगा कश्मीरी एंड उर्दू इसके बाद पंजाब में आएगा हमारा पंजाबी ठीक है कश्मीरी उर्दू पंजाबी फिर इसके बाद हमारा उत्तराखंड हिमाचल यूपी बिहार इन सब में बोली जाती है हिंदी तो कश्मीरी उर्दू पंजाबी हिंदी इसके बाद वेस्ट बंगाल में बोली जाएगी बंगाली और फिर थोड़ा ईस्ट में जाएंगे असम में बोली जाएगी असमिया ठीक है तो याद रखिए कश्मीरी उर्दू पंजाबी हिंदी बंगाली असमिया वापस आएंगे तो आएगा उड़ीसा उड़ीसा में बोली जाती है उड़िया उड़िया के बाद अगर आप वेस्ट में आएंगे तो गुजरात में बोली जाती है गुजराती महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी फिर इसके बाद कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़ उसके बाद केरल में बोली जाती है मलयालम फिर तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु इसके बाद एक हमारी बच्ची संस्कृत देखिए फोर्टीन हो गई होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और सेवन सेवन हो गया फोर्टीन एक बार रिपीट कर लीजिए ताकि आप अगर आप कहीं नोट कर रहे हैं तो आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं कश्मीरी उर्दू पंजाबी हिंदी बंगाली बंगाली असमिया उड़िया गुजराती मराठी कन्नड़ कन्नड़ मलयालम तमिल तेलुगू और संस्कृत ये हमारी ट्वेंटी टू लैंग्वेज हो गई ठीक है इसके बाद हमारा नाइन्थ शेड्यूल है ये हमारा है लैंड रिफ़ॉर्म से सिंपल आपको याद रखना रह है नाइन्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है तो ये हमारा लैंड रिफ़ॉर्म से रिलेटेड है जिसको हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया था ठीक तो, है तो सिंपल याद रखिएगा नाइन्थ शेड्यूल क्या है नाइन्थ शेड्यूल हमारा लैंड रिफॉर्म है जिसको हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन में ऐड किया था नेक्स्ट तो है हमारा टेंथ तो टेंथ याद रखना एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है यानी दल बदल कानून से रिलेटेड है हमारा टेंथ शेड्यूल 10 शेड्यूल में हमारा कब ऐड हुआ था तो 10 शेड्यूल हमारा ऐड हुआ था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में आल्सो नैन लिखा हुआ है आल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ तो सिंपल याद रखने का 10th क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ है ठीक है कब ऐड हुआ फिफ्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नाइनटीन एटी फाइव में इसको ऐड किया गया नेक्स्ट है हमारा इलेवेंथ इलेवंथ हमारा किससे रिलेटेड है तो पंचायत से रिलेटेड है आपको सिर्फ की पॉइंट्स याद रखने पूरे पूरे नहीं मैंने फिर भी पूरी पूरी लैंग्वेज लिखी है तो इलेवेंथ शेड्यूल में हमारा क्या है पंचायत है इसमें हमारे ट्वेंटी नाइन मैटर्स आते हैं कब ऐड हुआ था सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नाइन्टीन नाइन्टी टू और कहीं कहीं नाइन्टीन नाइन्टी थ्री दे रखा है तो याद रखिएगा इलेवंथ किससे है पंचायत से है कितने मैटर आएंगे ट्वेंटी नाइन मैटर्स आएंगे एड हुआ तो सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नाइन्टीन नाइन्टी टू में नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा ट्वेल्थ और लास्ट है ये ट्वेल्थ किससे है म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड है इसमें हमारे एटीन मैटर्स आएंगे और इसको कब ऐड किया गया इसको ऐड किया गया हमारा सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नाइन्टीन नाइन्टी टू में तो ये थी हमारी आज की वीडियो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए थैंक यू